तो जिसका भी इन्वेस्टमेंट करना होगा तो अभी मेरे को मिनिमम 10 लाख की इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। अगर कोई करना चाहता है तो वो बिल्कुल कर सकता है और ये प्रॉफिटेबल है, मैं इसमें भी बता देना चाहता हूँ, क्योंकि ये हमारा जो मॉड्यूल मैंने लॉन्च किया है ये बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद। तो जो आपका जो स्टार्ट था, आपके बिजनेस का जो स्टार्टिंग पीरियड था, तो उसमें आपको सबसे ज्यादा हेल्प किसने किया इन केस ऑफ इन्वेस्टमेंट? और अपने पापा को एक प्रपोजल इसको दिया कि हाँ पापा मेरा ये चीज है, फिर उन्होंने एक दो बार मना किया कि क्या तुम रोबोटिक्स किए हो और गोलगप्पा बेचोगे लास्ट, इसीलिए आपको पढ़ाया था। बट हेलो गाइज एंड वेलकम टू बैंटर विद चेतन। दोस्तों आज हमारे साथ है मिस्टर गोलगप्पा ब्रांड के फाउंडर लकी भूषण। दोस्तों 17 से 18 साल की उम्र में उन्होंने ये ब्रांड अपना एस्टेब्लिश किया है और 4 से 5 शहरों में उनकी फ्रेंचाइजी है। आप ये इंटरव्यू पूरा देखिए और इस इंटरव्यू में उन्होंने अपने फ्रेंचाइजी मॉडल के बारे में भी बताया है कि अगर आपको उनकी जो उनका जो ब्रांड है उसकी फ्रेंचाइजी लेनी है किसी शहर में तो आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सेकेंड चीज़ उन्होंने इसमें ये भी कहा है कि अगर आपको उनके ब्रांड में इन्वेस्ट करना है तो आप उसमें इन्वेस्ट भी कर सकते हो। थर्ड चीज़ उसमें ये आती है कि उनका जो बिज़नेस है ये प्रॉफिटेबल बिज़नेस है, ये सिर्फ वैल्यूएशन बढ़ाने के लिए वो इन्वेस्टमेंट नहीं मांग रहे, उनका जो बिज़नेस है वो ऑलरेडी प्रॉफिटेबल बिज़नेस है। सो वेलकम टू बैंटर विद चेतन लकी भाई। बैंटर विद चेतन के एक नए एपिसोड में हम आपका स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच भैया। ओके तो लकी भाई, जैसे हमने हमारे इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया कि एक 18 साल की उम्र में आपने हिंदुस्तान का सबसे पहला गोलगप्पे का ब्रांड बनाया जिसका नाम है मिस्टर गोलगप्पा, उसके बारे में आप क्या बताओगे, आइडिया आपको कैसे आया? ये आइडिया मेरे को एक क्लास से आया जिसमें मेरे टीचर ने बोला कि अभी तक गोलगप्पा तो खाया बट गोलगप्पा का ब्रांड नहीं है कोई, तो उस दिन मेरे को ये आइडिया आया और मैंने इसके बारे में जोर जोर से थोड़ा रिसर्च किया। और फिर जाके हम लोग कुछ समय के बाद जब लॉकडाउन हुआ तो इसमें मैंने फुल टाइम दिया और इस पर काफ़ी चीज़ रिसर्च की। एंड फिर जाके इसमें हम लोग ऑटोमेटिक वाटर डिस्पेंसर हम लोग यूज़ किए जो कि इसको हाइजीन बनाता है, और ऐसा हम लोग देखे थे कि ये हाइजीनिक तरीके से नहीं रिप्रेजेंट किया जाता है मार्केट में, जिसके कारण इसके बहुत सारा बैड इफेक्ट हम लोग को दिखता है यूट्यूब वीडियोस एंड ऑल दैट, कि हाँ इसको थोड़ा सा मजाक में उड़ाया जाता है कि उसमें हाइजेनिक नहीं रहता उसका पानी, तो इसको हम लोग हटाने के लिए ये ब्रांड हम लोग बनाए मिस्टर गोलगप्पा। ओके तो आप इसमें प्रॉब्लम बड़ी क्या सॉल्व कर रहे हो? जैसे कि हम देखते हैं कि जैसे कि गोलगप्पे का जो पानी होता है वो बहुत खराब पानी लोग यूज करते हैं, तो आप ये सारी चीजें उसमें मतलब ये सारी चीजें उसमें इम्प्रूव करोगे? जैसे में क्या रहता है कि जो वाटर दिया जाता है तो ये इसमें टचलेस है, आप बस उसके सामने लेके जाइएगा गोलगप्पा, बस उसमें से पानी गिर जाएगा। तो पहला तो हम लोग हाइजीनिक तरीके से बस उसको एक बार बनाते हैं और फिर उसमें डाल देते हैं, आपको सेंसर के थ्रू वहां पे जैसे ही लेके जाएगा तो वो पानी गिरेगा, तो आप उसको डायरेक्ट टचलेस से आप लोग खा रहे हैं, तो बार बार उसमें तो पानी नहीं और अच्छे तरीके से हाइजीनिक का ध्यान रखा जाता है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ये इतने सारे आइडिया आपको आते कहाँ से? जैसे कि 10th के बाद आपने ये मिस्टर गोलगप्पा ब्रांड स्टार्ट किया, तो आप पढ़ाई क्या करते हो? मैं रोबोटिक्स का स्टडी करता हूँ, मेकाट्रॉनिक्स एक ब्रांच है, तो डिप्लोमा इन मेकाट्रॉनिक्स करता हूँ जो कि रोबोटिक्स के लिए सब्जेक्ट माना जाता है, तो मेरे को ये सब आइडिया वहीं से आती है। लाइक हम लोगों को प्रोजेक्ट्स मिलती है तो प्रोजेक्ट्स के थ्रू हम लोग ये सब रिप्रेजेंट करते हैं। लकी भाई, ये जो गोलगप्पे होते हैं तो इसमें लाइक कौन कौन से टाइप के गोलगप्पे, जैसे बहुत सारे उसमें टाइप्स भी होते हैं, तो गोलगप्पे कौन कौन से टाइप के आपके पास है? हम लोग का टैमरिंड, योगर्ट, मिंट, राजस्थानी तीखा, चॉकलेट गोलगप्पा और चॉक स्ट्रॉ जो कि मेरा ही बनाया हुआ है, मैंने इसको बनाया है चॉक स्ट्रॉ गोलगप्पा। एंड इसके अलावा हमारे पास 12 तरीके के हैं, लेकिन मेनली ये सब फेमस है। करेक्ट करेक्ट। तो सबसे ज्यादा लोगों को क्या पसंद? सबसे ज्यादा लोगों को अगर हमारे ओमेंस जो कि हमारा सबसे बड़ा कंज्यूमर है, तो उन लोगों को राजस्थानी तीखा पसंद आता है, राजस्थानी तीखा और चॉक स्ट्रॉ। लकी भाई, अगर हम देखें तो आपकी अभी चार मतलब हिंदुस्तान के 4-5 जगह पे आपने फ्रेंचाइजी भी दी हुई है, तो कौन कौन से ऐसे शहर है जहाँ पे आपने अपनी आपकी फ्रेंचाइजी दी है? फिलहाल तो हमारा पटना में 3 है, उसके बाद यूपी, रांची और मुंबई में है। ओके और बाकी शहरों में अगर किसी को मिस्टर गोलगप्पा की फ्रेंचाइजी चाहिए तो उनको क्या करना पड़ेगा? बाकी शहरों के लिए आप कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं हमारा, जिससे उन लोग हमसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके और ले सकते हैं इसको। ओके ओके ओके। अब आते हैं थोड़ा कि देखो, जैसे कोई ब्रांड अगर स्टार्ट करना होता है तो उसको इन्वेस्टमेंट लगता है,
तो जैसे कि हम शार्क टैंक इंडिया में भी अभी देखते हैं कि शार्क टैंक इंडिया में बहुत सारे पिचर्स आते हैं और वो अपना बिजनेस आइडिया पिच करते हैं तो उनको इन्वेस्टमेंट मिलता है। तो जो आपका जो स्टार्ट था, आपके बिजनेस का जो स्टार्टिंग पीरियड था, तो उसमें आपको सबसे ज्यादा हेल्प किसने किया इन केस ऑफ इन्वेस्टमेंट? इन केस ऑफ इन्वेस्टमेंट मेरे, हाँ, बिकॉज मैं इसमें और एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, बिकॉज जो आपकी उम्र थी 17-18 साल, तो इस उम्र में मतलब हमें, हमारे पास इतना पैसा होता भी नहीं है बिकॉज हम स्टडी कर रहे होते हैं, हमारे दोस्तों के पास भी नहीं होता है बिकॉज वो भी स्टडी कर रहे थे, घर वाले भी हमारे ऊपर कितना ट्रस्ट करेंगे इस चीज़ में वो भी हम नहीं बता सकते। तो आप बाकी लोगों को क्या बताओगे कि इन्वेस्टमेंट कहाँ से ले इस उम्र में? मैं स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट के लिए वेंचर कैपिटलिस्ट के बारे में पढ़ा था कि वेंचर कैपिटलिस्ट स्टार्टिंग को, स्टार्टअप को इन्वेस्ट करते हैं, तो मैंने कॉन्टैक्ट करने का ट्राई किया था, बट मेरे को डर लगता था कि अगर उनके पास आइडिया होगा, पैसा होगा, तो वो खुद से कर लेंगे, तो मैंने इसको छोड़ा। और मैंने एक बार रितेश अग्रवाल का एक इंटरव्यू में सुना था कि अगर आप अपने फैमिली को नहीं मना पाते हो तो आप कैसे बाहर वाले लोग को, जो इसको नहीं जानते उसको कैसे मना पाओगे। तो मैंने इस चीज पे फोकस किया और अपने पापा को ही प्रपोजल इसको दिया कि हाँ पापा मेरा ये चीज है। फिर उन्होंने एक दो बार मना किया कि क्या तुम रोबोटिक्स किए हो और गोलगप्पा बेचोगे लास्ट, इसीलिए आपको पढ़ाया था, बट ऐसा उन्होंने बोला था। इवन घर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, बट मैं भी उसमें बच्चा था तो रोने लगा कि नहीं मेरे को करना है, यही करना है, मैं भले ही पढ़ाई छोड़ दूंगा, ये वो दिस दैट करके। तो फिर फाइनली पापा ने इसके लिए इन्वेस्टमेंट दे दिया। ओके, वो स्टार्टिंग वाला इन्वेस्टमेंट कितना था? स्टार्टिंग वाला इन्वेस्टमेंट मेरा 60,000 था। और इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ कि जैसे काफी सारे मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं कि जैसे आपने अपने पापा से इन्वेस्टमेंट ले लिया और बिजनेस कर लिए तो क्या ही बड़ी बात है। फ्रेंड्स ही नहीं, इवन टीचर्स भी बोलते हैं कि तुम क्या ही कर लिए ऐसे करके। तो मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आप किसी इन्वेस्टर से पैसा लेते हो तो मंथ में आपको एक से दो बार आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है कि आपका पैसा कहाँ गया, कितना हुआ, कितना आया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको 24 घंटा में लगभग 10 बार आपको पापा दिखेंगे और 50 बार पूछेंगे कि हाँ कैसा गया, क्या हुआ, कहाँ पे बिजनेस अभी चल रहा है, क्या पैसा डूब तो नहीं जाओगे, डूबा तो नहीं दोगे। तो ये सब चीजें होती है। तो ये इतना इजी नहीं होता है कि आप पापा से इन्वेस्टमेंट ले लिए तो बहुत इजी चीज है, ऐसा नहीं है, आप ऐसा बिल्कुल नहीं बोल सकते। लकी भाई, अभी तो आपके पास लाइक इन्वेस्टमेंट है, आपके पास फ्रेंचाइजी है, बट अगर बिजनेस को थोड़ा ग्रो करना है तो आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत हमेशा पड़ती है। तो अगर कोई इन्वेस्टर हमारा ये वीडियो देख रहा है तो और उस इन्वेस्टर को आपके ब्रांड में, मिस्टर गोलगप्पा में इन्वेस्ट करना है, तो वो कर सकता है क्या? आप उसके बारे में क्या बताओगे? इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अभी तो हम लोग स्केल करने पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। इवन हमारा न्यू मॉड्यूल लॉन्च हुआ है तो उसमें मेरे को इन्वेस्टमेंट का जरूरत भी है। तो अगर वो चाहते हैं तो हम लोग से कांटेक्ट कर सकते हैं और हम लोग अभी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है तो बिल्कुल हम करना चाहेंगे। तो जिसका भी इन्वेस्टमेंट करना होगा तो अभी मेरे को मिनिमम 10 लाख की इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। अगर कोई करना चाहता है तो वो बिल्कुल कर सकता है और ये प्रॉफिटेबल है, मैं इसमें भी बता देना चाहता हूँ, क्योंकि ये हमारा जो मॉड्यूल मैंने लॉन्च किया है ये बहुत ज्यादा रिसर्च के बाद, और इसका रिसर्च में हम लोग को ये निकला है कि हर जगह को हम लोग कवर कर लेंगे, पूरे पैन इंडिया को हम लोग कवर कर लेंगे और बहुत ही कम पैसे में। एग्जैक्टली ओके। तो अगर कोई ये हमारा इंटरव्यू देख रहा है और उनको मिस्टर गोलगप्पा में इन्वेस्ट करना है तो वो 10 लाख रुपीस तक इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये जो बिजनेस है ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वैल्यूएशन बढ़ाने के लिए लकी भाई इसको बोल रहे हैं, बट ये ऑलरेडी ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है और आप अगर इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपको भी इसमें प्रॉफिट मिलेंगे। जब मैं, आप मेरे को कॉन्टैक्ट कीजिएगा तो मैं आपको जब रिप्रेजेंट करूंगा तो आपको गारंटेड आपको लगेगा कि नहीं ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है। और ये अभी हम लोग रेवेन्यू जनरेटेड बिजनेस है, ये प्री रेवेन्यू के बेसिस पे हम लोग नहीं बोल रहे हैं। ग्रेट। देखिए गाइस कि एक 18 साल का लड़का है जो एक प्रॉफिटेबल बिजनेस रन कर रहा है और उनको सारी चीज़ें पता है, प्री रेवेन्यू वगैरह सारी चीज़ें। करेक्ट। और एक चीज़ आती है कि जब आप पढ़ाई भी करते हो और बिजनेस भी साथ में करते हो तो और उसको सक्सेसफुली आप रन भी कर रहे हो, फ्रेंचाइजी भी आपने इतनी जगह पे दी है, तो ये मैनेज कैसे हो पाता है? जैसे मैं पढ़ाई के समय उतना ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान, मतलब दोनों को मैं 50-50% देता हूँ। अगर मेरे को काम करना है ज़्यादा, मेरे को बिजनेस का काम करना है तो मैं इसको रात में कर लेता हूँ और मॉर्निंग में स्टडी कर लेता हूँ। और मेरा एक मानना है कि स्टडी मेन रोल प्ले करता है ये सारे चीज में, क्योंकि अगर मैं पढ़ा नहीं रहता, रोबोटिक्स नहीं जानता तो मेरे को इतना चीज नहीं आता, चाहे मैं अगर इतना नॉलेजेबल नहीं होता तो मैं इसको नहीं कर पाता, तो स्टडी मेन रोल प्ले करता है।
तो मैं इसको स्टडी को भी अभी कंटिन्यू करूंगा। तो अभी जो मतलब आपके शॉप्स वगैरह है, तो आप वहाँ पे खुद जाते हो दिन में? हाँ मतलब हाँ, मैं यहाँ पे दो जो शॉप है उसमें संडे को मैं छुट्टी देता हूँ कभी कभी, जब मेरे पास टाइम रहता है। स्टार्टिंग में तो मैंने खुद ही सेल किया था क्योंकि मैं खड़ा रहता था, कस्टमर बहुत ज्यादा आ जाते थे, तो उस समय मैं खुद ही चला जाता था कि नहीं यार तुम हटो मैं कर लेता हूँ। नहीं लगता है कि आप खुद कर लोगे ऐसे, क्योंकि वो डेडिकेशन स्टाफ में नहीं आ पाता है कि आपके, तो मैं खुद ही चला जाता हूँ, या तो संडे को मैं उन लोगों को छुट्टी दे देता हूँ, मैं खुद चला जाता हूँ अगर मेरे पास टाइम रहता है तो। लेकिन भाई अभी मिस्टर गोलगप्पा है, फ्यूचर में क्या? फ्यूचर में जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरे को डर्ट बाइक पे काम करना है, लाइक इलेक्ट्रिक बाइक जो कि हर एक बच्चा यूज कर सके साइकिल में, क्योंकि इन फ्यूचर वो इलेक्ट्रिक बाइक आने वाला है। जैसे मैंने देखा था कि शार्क टैंक पे रेवा मोटर्स आया था, तो मैं उनके साथ भी काम करना चाहता हूँ, अगर वो रेडी हो तो मैं उनसे भी कांटेक्ट करूंगा इन फ्यूचर, अगर वो करना चाहे तो मैं करूंगा, और नहीं तो फिर हम अपना कुछ करेंगे इसके ऊपर, क्योंकि मेरे को मन है इसमें। मेरे को सैलरी कम मिले ज्यादा मिले मेरे को कोई मतलब नहीं है, मैं इसमें लगना चाहता हूँ। लाइक होता है ना कि आपका कोई पैशन होता है, तो ये मेरा पैशन है, तो मैं तो रेवा मोटर्स के साथ, रेवा मोटर्स मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा उनका इनोवेटिव आइडिया था इवन, और मैं ट्राई करूंगा कि उनके साथ वर्क करूं और उनको और आगे तक लेके जाऊं, उनके हेल्प करूं उनके कंपनी में अपना बेस दे करके। श्योर श्योर, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अगर रिवाइ मोटो के जो भी फाउंडर्स है, प्रीतेश सर, जय सर और पुष्कराज सर, अगर वो देख रहे तो वो भी, उनको भी अच्छा हाँ, लगेगा ये सारी चीजें हाँ, सुन के। बिल्कुल मैं तो बोलूंगा सर आप मेरे को एक चांस दे और मैं उसके लिए फुल्ली डेडिकेटेड हूँ, तो अगर आप चांस देंगे तो मैं आपके साथ वर्क करने के लिए रेडी हूँ। तो लकी भाई हम आते हैं हमारे आखिरी सवाल के ऊपर। अगर कोई किसी को बिजनेस करना है, उनके पास आइडिया है बट वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पा रहे, तो आपको क्या, आपका क्या सजेशन रहेगा उन लोगों के लिए? मैं बोलूंगा कि अगर आपके पास कोई आइडिया है, इनोवेटिव आइडिया, लाइक आप बिजनेस मत करना, आप एंटरप्रेन्योर बनो। लाइक बिजनेस और एंटरप्रेन्योर का डिफरेंस क्या है कि बिजनेस में लिमिटेशन है, एंटरप्रेन्योरशिप में कोई लिमिटेशन नहीं है। तो हाँ अगर आप कोई इनोवेटिव आइडिया है तो आप कर डालो अभी। अगर आपको मेरे से हेल्प चाहिए तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे को, मैं आपको हेल्प करूंगा रीच करने में। और आप बहुत ज़्यादा उस पर टाइम मत लगाओ कि हाँ अभी करूंगा, 10 साल बाद करूंगा, 5 साल बाद, इतना वेट नहीं किया जाता है। क्योंकि क्या होता है, हम लोग का समय के साथ माइंड चेंज हो जाता है, फिर वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि हम लोग सोचते रह जाते हैं और इम्प्लीमेंटेशन नहीं रह पाता है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। लकी भाई थैंक यू सो मच, आप हमारे चैनल पे आए और ये मिस्टर गोलगप्पा जो कि हिंदुस्तान का सबसे पहला गोलगप्पे का ब्रांड आपने बनाया है, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी, आपकी बिजनेस जर्नी आपने बताई, तो और जो भी इन्वेस्टर है अगर वो देख रहे तो आप जेन्युइनली इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच लकी भाई, आल्सो भैया आपने जो मेरे को मौका दिया अपने चैनल में बोलने के लिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू, या श्योर।